हरिद्वार में दरगाह पिरान कलियर उर्स मेले के आयोजन के दौरान दुकानों और होटलों से की गई मौखिक वसूली की शिकायत मिलने पर जॉइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह मेला भूमि पर पहुंचे और शिकायतकर्ता को मौके पर बुलाकर कई जानकारी ली। आपको बता दें, जॉइंट मजिस्ट्रेट ने मेला भूमि के 1962 के रिकॉर्ड को भी तलब किया है और जल्द रिपोर्ट तैयार कर पेश करने के निर्देश नायब तहसीलदार को दे दिए गए हैं। तो हरिद्वार में आपको बता दें कि उर्स मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें वसूली की गई थी दुकानदारों से, उसके शिकायत मिलने पर अब जॉइंट मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही आपको बता दें दुकानों और होटलों से वसूली की अब जांच की जाएगी। हमारा जो स्टेट विकास कमीशन है उनकी एक जांच बैठी हुई, जांच ये थी कि 2019 में जो मेला हुआ था यहाँ पर दुकानें लगी थी, उसका जो रेंट लिया जाता है दुकानों वाला, उस पर ये इश्यूज उठे थे कि वो किसको लेना चाहिए था और कितना अमाउंट था। तो जो अमाउंट थे अभी ये दरगाह प्रबंधक वाले बताएंगे हमें, जो हमारे मैनेजर साहब है शफीक साहब, कि उसमें कितना अमाउंट जमा हुआ था बैंक में, दैट विल बी इन्फॉर्म टू अस। दूसरी चीज़ ये आती है ज़मीन को विवाद लेके, एक्चुअली इसका अंडरलाइन फैक्टर जो अंडरलाइन इशू है कि ज़मीन किसकी है जी। तो उसके लिए जो शिकायतकर्ता है सतार सिंह जी, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड दिए हमें जी सर, उस रिकॉर्ड की हम जांच करके ये पहले स्थापित करेंगे जी सर, प्रिलिमिनरी तौर पे कि ये ज़मीन एक्चुअली में किसकी बैठेगी जी सर, क्योंकि इसमें तीन पार्टीज बनती हैं, दरगाह, हमारा नगर पंचायत, नगर पंचायत, और तीसरे कुछ लोग हैं जिनको चकबंदी में DDC के थ्रू ऑर्डर्स हुए थे, तो इन तीन पार्टी में से किसी एक की जमीन होगी तो ये एक क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर बाकी इस जांच में आगे फिर कार्रवाई करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन का लाइव प्रसारण दिखाए जाने से तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश बना हुआ है। तीर्थ पुरोहित समाज का कहना है कि जो भी श्रद्धालु केदारनाथ आता है वो भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के गुप्त दर्शन करता है, मगर पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं की आस्था को लांघने का काम किया है। पीएम मोदी ने गर्भगृह के अंदर का लाइव प्रसारण दिखाने के साथ ही केदारनाथ मंदिर परिसर में राजनीतिक मंच भी लगाया है। तो आपको बता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को दिवाली से अगले दिन केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद से ही इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सियासत तो की ही जा रही है। इसके साथ ही अब आपको बता दें तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी भी देखी जा रही है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक मंच लगाया था। तो बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा पूरे विश्व की है केदार बाबा में, वैसी श्रद्धा मोदी जी की भी है। मोदी जी को हमने पहले ही कहा था, मोदी जी का जब प्रोग्राम सेट हुआ था उससे 2 दिन पहले हमने अपने बाइक में कहा था, केदारनाथ में 2 चीज का तीर्थ पुरोहित घोर विरोध कर रहे हैं। नंबर 1 चीज, यहाँ जो है राजनीतिक मंच न लगे। दूसरी बात, जो मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं, आपने मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ी सीमा लांघने की कोशिश करी, और ये एक मर्यादा में यहाँ के दर्शन होते हैं, ना कि दर्शन करते समय आप किसी को लाइव बताओ। आप अपनी श्रद्धा, यहाँ भगवान की जो दर्शन होते हैं वो एक गुप्त रूप में होते हैं, ऐसे नहीं कि आप चैनलों को, वो भी गर्व करें। मैं, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया, मैंने पहले भी इसका विरोध किया था, मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानीखेत में द्वारा हाट के बगवाली पोखर में ऐतिहासिक बगाई कोतई बगवाली मेले का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट और पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया, साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आगाज हो गया है। आपको बता दें, मेला स्थल पर स्थित शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में COVID-19 के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए आगे आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा सम्मान भी प्रदान किया गया। तो ऐतिहासिक बगवाली मेले का आगाज हो चुका है, तस्वीरें देख सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आगाज इस मेले के तहत हो चुका है, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और ऐसे में इस मेले में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। COVID-19 के नियमों का भी मेले में पूरी तरह से बखूबी पालन किया गया। पौराणिक मेला है, मेरे ख्याल से जब से हम पैदा भी नहीं हुए उससे पहले से इस मेले को चलता आ रहा है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने, हमारे गाँव के खासकर बुजुर्गों ने इस संस्कार
हम जनता से एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ें और अपने भवानी पोखर क्षेत्र का नाम रोशन करें, ये मैं संदेश यहाँ से देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जब तक मैंने होश संभाला तब से मेरे को देखते हुए आ रहा हूँ। हमारे भंडर गाँव में तीन प्रधान, एक थोकदार है। पहले जब इसकी मान्यता थोकदार प्रधानों से थी तब हमारे, मैंने अपने ताऊजी को थोकदार देखा है। नहीं नहीं, ये जानना चाहेंगे कि इसमें क्या ओढ़ा भेटने की रस्म आदि भी है? ओढ़ा भेटने वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो हमारे थोकदार और प्रधान के घर से दो नगारा आते हैं। कि आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, महिलाओं को और यहाँ की स्वस्थ जनता को, महिलाओं को या वैसे तो पूरी जनता के लिए ये संदेश है कि आप इस मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए ताकि आप इस अपनी संस्कृति को बचा के रख सकें।